नमस्कार, मैं लैंड डॉक्टर राजू मनवानी विश्व सिंधी सेवा संगम हेडक्वार्टर की तरफ से आप सब लोगों का एपिसोड नंबर 793 वीएसएस शो, जो कि 117 कंट्रीज में लाइव टेलीकास्ट होता है, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। टीचर्स डे, टीचर्स मतलब ये वो गुरु होते हैं। कहते हैं बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मतलब गुरु और माता पिता दोनों खड़े हों तो पहले किसके पांव छूने चाहिए, पहले गुरु जी के पांव छूने चाहिए, क्योंकि ये वो गुरु होते हैं जो हमें वो संस्कार देते हैं कि अपने माँ बाप और भगवान से भी आगे ये हमारे गुरु होते हैं जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक वो गुरु है जिन्होंने मुझे फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक 1963 से 68 तक पढ़ाया था, और एक वो गुरु हैं जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, बहुत यंग और डायनेमिक है, वो है हमारे नैन सर जो कि धानु महाराष्ट्र से हैं, और एक ऑनरेबल बुदरमल जी भोजवानी साहब जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ से हैं। ये प्रोग्राम आपके सामने विश्व सिंधी सेवा संगम, प्रॉपर्टी एंथम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन एक्सिम ऑफिसर आगरा से, ग्रीटेक्स आलोकलाल का मुंबई से, किशोर पारवानी जी अफ्रीका से, लता होतानी जी दुबई से, और खनवेल रिसोर्स सिलवासा से निर्मल जैन साहब आपके सामने लेके आए हैं। करीब 51 करोड़ लोग हमारे ये शो देख चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर। प्रदीप भैया आपको थोड़ी देर के अंदर वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, और ये 117 कंट्रीज में लाइव टेलीकास्ट होता है। और ये जो प्रदीप भैया दिखाने वाले हैं वो 50 करोड़ 92 लाख जो आपके सामने ये ऑडियंस हमारी है, जो आपको आज कल परसों हफ्ते में 10 दिन में जरूर वॉच करते हैं। लाइन डॉक्टर राजू मनवानी जो कि एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप ये पूरे 793 एपिसोड देख सकते हैं। आज ये जो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस स्क्रीन पर आप आदरणीय बुदरमल जी भोजवानी साहब से और नैन सर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे, या उनके लिए एक कमेंट ऐसे पास करिएगा ताकि हमारे इन गुरुओं की वो हिम्मत बनी रहे कि आज भी हमारे जैसे स्टूडेंट आपके सामने लेके आए। हम तो आज भी उनके सामने स्टूडेंट ही हैं। ये मेरा सब्सक्राइब लाइक शेयर करते हुए लाइन डॉक्टर राजू मनवानी के यूट्यूब के ऊपर आप सारे देख सकते हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम जो कि अब 81 कंट्रीज और 28 स्टेट ऑफ हिंदुस्तान भारत के अंदर हम सेवा का काम करते हैं। 5 इंटरनेशनल कन्वेंशन हमारे हो चुके हैं, और 6th कन्वेंशन हमारा 26, 27, 28 जनवरी को बेंगलोर हिल्टन होटल में होने जा रहा है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट होंगे 26 तारीख को ऑनरेबल हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका श्री थावरचंद जी गहलोत साहब, और 27 तारीख को हमारे साथ होंगे श्री श्री रविशंकर जी, और 28 तारीख को फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शहनवाज हुसैन साहब। डिटेल के लिए आप हमें इस स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट का वीडियो मैं आपको बेंगलोर के कन्वेंशन का दिखाना चाहूंगा। इफ एनी डिटेल्स कैन बी कॉन्टेक्टेड अस। प्रदीप भैया ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रदीप। ऑनरेबल बुदरमल जी भोजवानी साहब, हम 8 भाई बहन हैं और भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये हमारे गुरु जो आज आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्होंने हमारे सबसे बड़े भाई से लेकर के मुझ तक सबको पढ़ाया है।
मैं बात कर रहा हूँ चित्तौड़गढ़ गांधी चौक के पुरुषार्थी स्कूल की, जहाँ पे मैंने पहली से पांचवीं तक की क्लास पढ़ी थी, और ये हमारे गुरुजी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्क्रीन के ऊपर आए, मैं उनके चरण स्पर्श करके पहले सबसे पहले मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा। गुरु जी, मैं सबसे पहले मैं आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ सर। आदरणीय भद्रमल जी भोजवानी साहब, जो कि आप देख सकते हैं इस उम्र के अंदर भी उनके चेहरे के ऊपर वो रौनक है, वो ग्लो है, वो तेज है, जिन्हें देख करके लगता है कि इन्होंने अपने कैसे स्टूडेंट आप सब लोगों के सामने भेजे होंगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भोजवानी साहब से कि सर थोड़ा सा हम पूरी ऑडियंस जो पूरे वर्ल्ड में आपको सुन रही है, वो आपसे ये जानना चाहती है कि आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन कैसी हुई, आपका स्कूल और कॉलेज कैसा था, उसके बाद आप गुरु बने, तो सब आपको किस तरह के स्टूडेंट मिले, क्या सब स्टूडेंट मेरी तरह नोटी थे या अच्छे स्टूडेंट भी थे, थोड़ा उनके बारे में आप बताएं। भोजवानी साहब, ओवर टू यू सर। आज सबसे बड़ी खुशी पहले यह है कि आज मैं अपने प्यारे प्यारे शिष्य जो मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक थे, उस शिष्य का मैं आज वापस उसके गुणगान का करके अपने आप को स्वाभिमान मान पाता था। राजू मनवानी उन बालकों में से थे जो सदैव कुछ नई सीखना चाहते थे। उनके मन में हमेशा लालसा रहती थी, कुछ बनना है, कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है। क्लास में आगे बैठना, ध्यान से सुनना, मनन करना, अध्ययन करना और लास्ट में प्रश्न पूछना, ये उसका स्वाभाविक गुण है। और ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम सदैव क्लास में जाने से पहले देखते थे कि मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ, तो मैं उसी तैयारी के साथ कक्षा में जाता था। और अध्यापक का कर्तव्य भी है कि पढ़ाने से पहले घर से तैयारी करके क्लास में जाए, उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एकाग्रित होकर के वो बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। और यही उनमें से एक थे जिन्होंने इस बात को पढ़ने के अंदर कभी भी नहीं करी। हालांकि ये इनके जो भाई बहन हैं सभी मेरे विद्यार्थी रहे हैं, इनकी बहनें, इनके बड़े भाई, और ये मुझे इस बात का गर्व है कि इस परिवार से मैं बहुत परिचित था और अभी भी हूँ। लेकिन इस व्यक्ति ने, इस होनार बालक ने जो आज बड़े होकर के लॉटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, और ये अपनी ख्याति, यश और कीर्ति चारों तरफ फैला रहे हैं, ये मेरे आशीर्वाद का फल है और मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है। गुरुजी, मैं, मुझे दोस्तों याद नहीं होगा कि कोई एक साल में ऐसा भूला होगा कि टीचर्स डे पे या गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने गुरुजी को फोन न किया हो, क्योंकि अब ये एक इकलौते ऐसे गुरुजी हैं जो अभी तक हमारे बीच हैं और मैं हर साल इनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि गुरुजी की उम्र शायद अब 80 साल के ऊपर होगी, उसके बावजूद भी आज भी उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। गुरुजी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मेरा जन्म 5 दिसंबर 1938 को पाकिस्तान के हैदराबाद दादू जिले के गांव के अंदर, जिसका नाम था झंगारा, उसमें हुआ। और प्राइमरी क्लासेस की शिक्षा मैं वहाँ ले रहा था। जब कक्षा 3 में मैं आया, उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया, भारत के 2 भाग हो गए। तब हमें अपने बड़ों के साथ में वहाँ से रवाना होकर के सब कुछ छोड़ करके अपने जो यादें हैं उनको समेट करके और हम हैदराबाद आ गए। और हैदराबाद हमारे अंकल रहते थे, उनके पास कुछ दिन रह करके और फिर हम पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान की ओर अपने धर्म, अपनी जीवन को, उस वक्त मन में ये लालसा हो रही थी, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया के अंदर सबसे इज्जत, मान सम्मान के साथ साथ धर्म की पालना करना हर आदमी का अपना कर्तव्य होता है। और उसी धर्म को बचाने के लिए हम हिंदुस्तान में आए। और हिंदुस्तान में आने के बाद हम चित्तौड़गढ़ के अंदर रेलवे स्टेशन पे आकर के रुक गए।
हमारे अंकल दूसरे रोज चित्तौड़ शहर में गए, कलेक्टर चित्तौड़ से मिले और उनसे मिल करके और उन्होंने कुछ काम के लिए मांगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहाँ छोड़ के आए। तो उन्होंने काम के लिए कहा कि तोपखाना है, इसके सामने सिंधियों के टेंट लगे हुए हैं, जो भी आए हैं उन टेंटों के अंदर आप राशन सप्लाई करो। तब हमारे अंकल पिताजी ये सब अपने कार्य में लग गए। जब तक वो वहाँ पर बिराजे तब तक हम सप्लाई करते रहे, राशन कपड़े कंबल जो भी उनको चाहिए था देते रहते थे। ये तो मेरे को छोटी सी समरी है दिमाग में, जिसका मैं आपके सम्मुख कर रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे और उन्नति हुई, सब चले गए। इसके बाद लोग कहीं कहीं जा कर के बस गए और इसके बाद हमको वापस पहली क्लास से स्कूल में भर्ती कराया गया। उस वक्त उम्र मेरी 9 साल की थी। जो हम तीसरे पढ़ते थे तो छठी से स्कूल चलते थे, छठी सातवीं आठवीं नौवीं, मैं तीसरी क्लास में मेरा एडमिशन था और उस वक्त सिंधी भाषा थे और पढ़ाने वाले अधिकतर मुस्लिम लोग ही होते थे। क्योंकि वहाँ पर जो है गाँव के अंदर टीचर जो होते थे वो उस छोटा सा स्कूल था, अब जो भी टीचर पढ़ाए उसको पढ़ना पड़ता था। इसके बाद में तीसरे क्लास पढ़ने के बाद जब यहाँ आए तो 1947 के अंदर हमको पहले क्लास में एडमिशन, लेकिन यहाँ सुविधा ये थी एक साल में 2 क्लास पास करने, वो ओके 6 महीने के अंदर परीक्षा होती थी। तो ये सब उपलब्धि हमारे को मिली, इससे हम जो है जल्दी जो है क्लास से चौथी पाँचवीं तक करके बंसीलाल जी भाटापुर एक प्राइवेट स्कूल चलाते थे उसके पास पढ़े और वो बहुत ही रात को कमरे में बंद करते परीक्षा कराते थे, तैयारी करो, और रात को 2-2 बजे उठ करके आते, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सो रहे हो। तो इस वक्त हमको जो अच्छे गुरु मिलते हैं से डर लगता था कि ये कैसे आ रहा है, लेकिन मन के अंदर ये भावना थी कि इसका क्या काम है, ये क्यों उठ के आ रहा है, इसलिए कि हम कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, कुछ आगे बढ़े। तो इसलिए ज़िंदगी के आधार पर हम अपने आप को समेटते हुए आगे पढ़ते 1958 के अंदर हमने 10वीं पास करी और बनते ही हमने बिना किसी से जो कुछ शिक्षा विभाग को गए तो उन्होंने पोस्टिंग दे दी और पोस्टिंग के आधार पर हम पुरुषार्थ स्कूल के अंदर चले गए। उसमें वहाँ आप जिसे होनार बालक मिले, जिसे देख करके और हमारा हृदय गदगद हो गया और आगे ये मन के अंदर लगी कि इन बच्चों को हमें प्रेरणा देनी है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि अध्यापक का जीवन एक पुल के बराबर होता है और अध्यापक उस पुल से हजारों बच्चों को हर पार रोज हर पार पार कराता है और इस बात की एक अपेक्षा रखता है कि आप जब पढ़ लिख करके होशियार होकर के कुछ बन करके उस पुल के ऊपर आओ तो उस पुल को याद करो तो हम सबसे बड़ा गर्व का दिन वो होता है जिसे हम जो है अपने आप को स्वाभिमान से अपने आप पसीना खुल जाता है और खुशी होती है। क्योंकि डॉक्टर अगर किसी का भी ऑपरेशन करता है तो उसके कुछ भी क्षणों के आधार पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आदमी अध्यापक अगर थोड़ी सी भी गलती करे तो उसकी ज़िंदगी भर की कमाई एक क्षण के अंदर ख़त्म हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी ज़िंदगी को अपने बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनको दंड से नारियल जैसे होता है, ऊपर से तो गर्म सख्त होता है और अंदर से नरम होता है, और वही हमारा हृदय होता है। अध्यापक का हृदय इतना कोमल होता है कि वो हाथ लगाता है बच्चे को तो दर्द उसको होता है, लेकिन वो उसके लिए मजबूर है कि वो कुछ अगर सीख जाएगा तो कभी याद करेगा। और आज भी हमको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, पाँव छूते हैं और आके कहते हैं गुरुजी आपने मेरी ज़िंदगी बनाई, अगर आपने मेरे को वो शिक्षा नहीं दी होती, चाहे आपने मेरा कान खींचा तो भी। इसके बाद में बच्चे कभी जा कर के माँ बाप से कहते थे कि सर ने हमको आज क्लास के अंदर यूँ मारा, तो उसने कहते ये क्या मारा हुआ, तुमको हमको कितना मारा होगा तो आज हम कुछ बन के दिखे हुए, तो तुम लोग जो है उनसे मितवारी से बरस लेके चलो किसको क्यों मारा, नहीं जाओ पढ़ो। तो ये माँ बाप का भी हमको सहायता मिलती थी कि माँ बाप क्या सोचता है और क्या गर्व करता है उसके ऊपर, यही बात। गुरु जी फिर आपने 10वीं के बाद सिर्फ गुरु बने रहे सबके, आज आप 85 ईयर्स के हो गए हैं, आज भी आप इतने एक्टिव हैं, आज भी आप इतनी अच्छी तरह से बात कर सकते हैं।
कुछ ऐसे बच्चे जो आपको आज भी याद हो, कि मैं तो आपसे हर साल कांटेक्ट में रहता हूं तो मुझे याद है गुरुजी का, कोई ऐसे बच्चे जो आपको याद हो जो बचपन में बहुत नोटी थे और अब कहीं ना कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिनके बारे में आप कुछ बताना चाहते हो? ऐसा है जी, सबसे बड़ी बात यही होता है कि बच्चा नोटी होता है लेकिन परेशान नहीं करे, मतलब अध्यापक की इज्जत नहीं ले, तो वहाँ तक हमारे को सीमित होता है। ये अगर हाथ उठाए हमारे ऊपर, तो ऐसे बच्चों को कभी देखा नहीं और न कभी मेरे पास ऐसा अवसर आया। भगवान ने इज्जत सी, इज्जत से नौकरी करी, इज्जत से ले ले तेरी लुकट कमरिया, बहुत नाच नचाए हो, ये हमारी स्थिति है कि सब कुछ ले लो लेकिन हमारी इज्जत जो बच गई, तो हम अब सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, अब इज्जत से घर पर रहेंगे। ये मान सम्मान के साथ आए और ढोल बाजों के साथ हजारों बच्चों के साथ घर पे छोड़ने आए, ये हमारी सबसे बड़ी जीत। ये हमको लेकर के घर तक छोड़ने आए 1996 के अंदर 31 तारीख दिसंबर को हमारा रिटायरमेंट हुआ, और उस वक्त में प्रधानाध्यापक के रूप में हायर सेकेंडरी स्कूल में गाड़ीलवार स्कूल में 13 साल तक प्रधानाध्यापक रहा, जहाँ पर जो भी अफसर आता वो वहीं से उदयपुर से आता, पहले गाड़ीलवार स्कूल में आता, इसके बाद यहाँ से रेस्पेक्ट इज्जत लेकर मान सम्मान के साथ में वो अपने ऑफिस में जाता। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और 13 साल के अंदर हमने जो है कई विद्यार्थियों को और कई अध्यापकों को अपने जीवन जिंदगी के अंदर कई प्रेरणा दी, और अफसरों से मान सम्मान प्राप्त किया, किसी भी अफसर ने हमें मान सम्मान से वंचित नहीं रखा, और इतना कहा कि आपको ये जो भी काम हो आप एक फ़ोन कर देना, ये नंबर है, आपका काम हो जाएगा, क्या अभी किसी का ट्रांसफ़र कराना? मैंने कहा नहीं साहब, जैसा मौका आएगा वैसे करेंगे, लेकिन किसी का ट्रांसफ़र नहीं कराऊंगा, क्यों कि मैं जो किसी को कुछ दे नहीं सकता तो मैं निकाल करने के लिए कैसे निवेदन कर सकता हूँ। तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और मैंने अध्यापक रहते हुए प्राइवेट जो है इंटर पास किया, बीए पास किया, एमए पास किया, एमएड ये बीएड किया, एसटीसी करी, और इसके बाद एमएड किया, एमएड के बाद में मेरे को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। ये सबसे मेरी जिंदगी की शिक्षा विभाग की सबसे उपलब्धि है, तो मैं राज्यपाल से पुरस्कृत अध्यापक हूँ। क्या बात है गुरुजी, ये कई बातें जो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज की ऑडियंस को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हैं हमारे वो गुरु जो अपनी ज़िंदगी पूरी प्रिंसिपल के साथ, इथिक्स के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके सोचने का तरीका, और जो आज भी आपको कन्वे कर रहे हैं, अगर ये आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, कि सब कुछ चला जाए लेकिन इंसान की इज्जत नहीं जानी चाहिए, कोई भी काम ऐसा ना करे जिसकी वजह से इज्जत जाती है। गुरुजी ने आज हमारे को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और हमेशा हम इस मैसेज को याद रखेंगे कि गुरुजी, आज के गुरुजी और आपके वक्त के गुरुजियों में वो अध्यापक जो आपके वक्त हुआ करते थे, और अब जो नए अध्यापक हैं नई जनरेशन के, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या फर्क है दोनों बच्चों में? अब आपके सामने ये फर्क है कि आज का बालक, पहले जो कहते थे शिक्षा के अंदर जो स्वर्ण लोग होते थे वही अधिकतर पढ़ाई करते थे, और धीरे धीरे जब लोगों ने सरकार की तरफ से ये सुविधाएं देने के बाद भी ये आरक्षण लागू कर दिया, इसके बाद आरक्षण के बाद में हर जनरेशन आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से काफ़ी सुविधाएं मिलने लगी, फीस माफ, किताबें, ड्रेसें वगैरह सब उपलब्ध होने लग गई। तो वो लोग जो सोचते थे कि हमारा यह अधिकार है और अध्यापक की रेस्पेक्ट नहीं करते, और थोड़ी सी भी बात होती तो आपस में गालियां देते थे टीचर्स के लिए, ये सम्मान हमने जो दिया सम्मान के साथ दिया, गर्व के साथ दिया। कभी क्लास के अंदर किसी लड़के ने सामना नहीं किया कि खड़े होकर के मेरे से प्रश्न पूछे और मैं उसको जवाब नहीं दूँ, और कभी सामने बोल जाए, ऐसा भी मेरे पास मौका नहीं आया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, और आप जैसे विद्यार्थी जो मेरे जीवन के अंदर आए, ये मेरे लिए आज भी अपना दिल के अंदर मेरे बसे हुए हैं और बसे रहेंगे, और जब तक मैं जीवित हूँ उनके गुणगान करने में मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता हूँ। आज विद्यार्थी पर मुझे गर्व है कि आज मुझे इस उम्र के अंदर भी याद करता है
स्मरण करता है और मेरे लिए जिंदगी के अंदर कुछ और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। हर बालक के अंदर जितना अध्यापक जानता है उतना बालक भी जानता है। बालक से ही हम सीखते हैं। आप ये मत सोचो कि हम बालक से नहीं सीखते, बहुत सी बातें बालक से सिखाते हैं और वो से हमारे जीवन के अंदर प्रेरणा बनती है। माँ जो है खाली बच्चे को जन्म देती है, अध्यापक का काम है उसके जीवन के अंदर बहुत कुछ देना और उसकी जिंदगी बनाना, ये हमारा लक्ष्य है जिसको हम हमेशा याद रख करके पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं। गुरु जी, बच्चों को पढ़ाई के मामले में कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी आपके सजेशन और आपकी गाइडेंस कि आज की पढ़ाई में और आपके वक्त की पढ़ाई में ये होता था कि गुरुजी, जैसे आपने कहा कि रात को 2 बजे उठ के भी आप जाते थे, आप देखते थे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कल एग्जाम है उनका, सो तो नहीं गए, उनके खाने पीने का, उनके रहने करने का, मतलब माँ बाप से ज़्यादा गुरुजी हमारा ध्यान रखा करते थे। मुझे याद है मैं जब पुरुषार्थी स्कूल में आपके अंडर में पढ़ाई करता था गुरुजी, तो नीचे गांधी चौक पर ही काफ़ी खाने पीने की चीज़ें होती थी, वहाँ तक भी आप हमें गाइड करते थे ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके बाजू में ये खाने पीने की तली हुई चीज़ें होती है, इसका ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और स्कूल में क्लास में आने के बाद एक आप और एक हमारे उमेश गुरुजी हुआ करते थे शायद उस वक्त, सर वो अभी तक या अब नहीं रहे? आज 8 साल हो गए उनको स्वर्गवास हुए। उस वक्त मुझे याद है कि मुझे अभी तक याद है, मैं ये ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि पहली से पांचवी तक पुरुषार्थी स्कूल जहाँ गुरुजी हमारे गुरु हुआ करते थे, फिर छठी से लेकर के मैं आठवीं तक आदर्श स्कूल हुआ करता था हमारा, जिसमें मंडलिया साहब हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, आप जानते होंगे सर मंडलिया साहब को, वो भी नहीं रहे अभी, अब उनके लड़के है काफी डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हुए है जी जी। और उसके बाद 9 से लेके 11 तक मैं वहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में गया जहाँ पे हमारे हरि सिंह जी हुआ करते थे, हमारे कन्हैयालाल जी हुआ करते थे, आप उनको भी जानते होंगे गुरु जी। और उसके बाद मैं अग्रवाल कॉलेज जयपुर गया, तो आप समझ सकते हैं कि हमें वो स्कूल, आज भी हम चित्तौड़ जाते हैं तो अपने स्कूल में पुरुषार्थी स्कूल में जाते हैं, देखते हैं वो कौन कौन सी क्लास थी जहाँ हम बैठा करते थे, कहाँ गुरु जी आते थे, किस तरह हमें पढ़ाते थे, किस तरह हम आदर्श स्कूल में जाते हैं, आज भी वो क्लास याद रखते हैं कि किस तरह ये अंगलियों के बीच में पेंसिल डाल के गुरु जी हमें, कभी हम गलतियाँ करते थे तो हमें वो सजा देते थे ताकि हमें याद रहे ये अंगलियों का दर्द कि हम अगली गलती ना करें, कल हम अपना होमवर्क करके आए। गुरु जी, आजकल के बच्चों में ये संस्कार हैं आपके हिसाब से? आप आज नई जनरेशन देख रहे हैं, आपके घर में दो दो तीन तीन जनरेशन है अभी, उन बच्चों में और आज के बच्चों में क्या फर्क है? ऐसा जी, फर्क बहुत हो गया है। पहले तो माँ बाप के 9 बच्चे बच्ची होते थे, 8 बच्चे होते थे जी, और बच्चों के अंदर माँ बाप इतना मोह नहीं रखते थे। और आज के वक्त में बालक के सिर्फ 1 बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं। अगर आज क्लास के अंदर बच्चे का कान भी पकड़ लिया ना, अगर बच्चे ने जाके शिकायत करी तो पूरे 10-15 आदमियों के साथ ऑफिस स्कूल के अंदर घुस के आएंगे, कहाँ है वो मास्टर, निकालो बाहर उसको। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। इसलिए इस समय अध्यापक को अपना मान सम्मान बनाने के लिए बहुत सोच समझ करके काम करना पड़ता है। और ये अपशब्द भी अगर निकल जाए तो वो बालक जाके माँ बाप को बोलता है, ये प्रवृत्ति होगी, पहले नहीं था, पहले डर के मारे घर पे जाके मारेंगे तो मम्मी मारेगी तो कहने क्यों सर के सामने क्यों बोला ऐसा, तो वो भावने अब बने रहे हैं। क्योंकि आज के कारण में सभी कास्ट के लोग आते हैं और सभी कास्ट के लोगों में पढ़ने का विचार कम होता है। आज कॉलेज तक भी जाओ तो साल भर संख्या कितनी है कॉलेज के अंदर, 1200 लड़के पढ़ते हैं, जाते कितने 100 भी नहीं जाते, 200 भी नहीं, साइंस के लड़के जाते हैं और बाकी लड़के घर बैठे मजदूरी करते हैं क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती है साल के 12,000-15,000 रुपये मजदूरी करते जा करके, और मार्च का महीना आता है और उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है और प्राइवेट के रूप रेगुलर स्टूडेंट की तरफ से परीक्षा दे करके और एक रात पढ़ करके पास हो जाते हैं। आजकल कंप्यूटर में मोबाइल के अंदर सारी किताबों के प्रश्न आ जाते हैं जिससे पढ़ करके बालक ये सोचता है कि मैंने परीक्षा दे दी, लेकिन उसको नॉलेज नहीं रहता है। नॉलेज यही है, रट्टू प्रवृत्ति, एक रात के अंदर पढ़ना, सुबह परीक्षा देना, ये भावना हो गई है। वो वाली भावना नहीं है जो मैंने आपको निवेदन किया कि रात को 2-2 बजे तक अध्यापक आकर के लड़के का देखता था वास्तव में अध्ययन कराए, आज वो अध्यापक में भी नहीं है। अध्यापक सोचता है
कि क्लास कब 12 बजे और कब घंटी लगे, कब मैं यहाँ से स्कूल से निकलूँ। आज के दिन मेरे को इज्जत मिल गई जो ठीक है, पता नहीं कल क्या होगा। हर दिन की अपनी इज्जत बचाने के लिए हर बालक, हर टीचर जो है घबराता हुआ स्कूल में आता है, पेट भरने के लिए तनख्वाह मिल जाए और रोटी मिले, ये अपना बाल बच्चे पढ़ जाए लिख जाए, तो ये सबसे बड़ी बात उपलब्धि है। गुरु जी, अगर आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है, जिस तरीके से आपने संस्कार लिए हैं और दिए हैं बच्चों को, वो बच्चे ही खाली बदले नहीं है बल्कि उनके माँ बाप भी बदल गए। पहले बच्चे मस्ती करते थे, घर जाते थे, डरते थे और उनको जाके कहते थे हमारे को आज टीचर ने मारा है, तो बल्कि माँ बाप उनको डांटते थे कि आपने जरूर कोई गलती की होगी इसीलिए गुरुजी ने आपको डांटा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज वही माँ बाप बल्कि बच्चों को डांटते नहीं है, बल्कि आपने सही कहा कि वो 8-10 लोगों को लेके स्कूल पहुंच जाते हैं कि कहाँ है वो मास्टर। तो आपको ये नहीं लगता है बच्चों के साथ साथ माँ बाप भी बदल गए हैं? माँ बाप को भी अपने गुरुओं के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर उतना विश्वास रखना चाहिए? भूल जाते हैं अपने कर्तव्य को, उस समय में क्या था और आज मेरे बच्चों ने क्या किया, इस बात को नहीं सोचते कि भाई इसको जो है आकर के भाई बच्चे के लिए बारे में पूछे कि भाई तसल्ली सर इस बच्चे ने क्या गलती करी हमें बताओ, तो हम इसको और कुछ ना कुछ सजा देंगे, ऐसा कोई नहीं पूछता। बस यही सोचता है कि कब उसको मारें और फिर अपने दोस्तों के साथ निकल के बाहर चले जाए। ये इज्जत रह गई अध्यापक की, और आज के अध्यापक भी ऐसे ही हैं जो पढ़ाते तो कम हैं और अपने बच्चों से मनोरंजन करके और टाइम पास करके वो भी चले जाते हैं। न उनमें वो भावना है कि हम पढ़ कर के क्लास में जाएं और बच्चों को कुछ देवें, ये भावना बहुत कम है। फिर भी लेडी टीचर्स के बारे में कह सकते हैं कि लेडी टीचर्स अभी भी अपने आप के अंदर, पहले तो नहीं होती थी, बहुत न के बराबर, 0% के बराबर। अब तो जेंट्स कम है और लेडीज़ ज़्यादा है, क्योंकि माँ जो है बच्चे को जो जो ज्ञान देती है बचपन में, वही इसको मान करके कि माँ के रूप में टीचर्स को, लेडी टीचर्स को रखते हैं और वो उन्हीं को कुछ कह नहीं सकती, प्यार करती है और बच्चे खुश होते हैं, क्लास में शोर कराते रहते हैं तो भी कुछ परवाह नहीं करते भाई है बच्चे बैठे हुए। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े बड़े होते हैं तो उनके अंदर भावना आती है कुछ सीखने की, कुछ करने की। तो वो आप बच्चे माँ बाप के साथ साथ आज के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। आज का बच्चा मोबाइल चला लेता है और पुराने आदमी को कहो कि मोबाइल चलाओ तो उसको कुछ नहीं आता है, छोटा सा मोबाइल हो उसके से काम चला लेता है। तो वक्त बहुत बदला है, एजुकेशन के मामले में इतना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि बड़े क्लासेस के अंदर बाहर जाने के लिए सरकार की तरफ से कई 500 शिक्षक को अभी भी इंग्लिश मीडियम सीखने के लिए विदेश में भेजा गया है, ताकि वहाँ से सीख करके और यहाँ आकर के इंग्लिश मीडियम की शिक्षा बढ़ाए। महात्मा गांधी नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, हर साल 5 शहरों में खोले, अब गांव-गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी के नाम से खोले जा रहे हैं। वहाँ सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही कोर्स पढ़ाया जाता है और अध्यापक भी जो है इंग्लिश में ट्रेंड है उनकी पोस्टिंग दी जा रही है अलग से, और हिंदी मीडियम के स्कूल अलग से होते हैं जहाँ पर हिंदी के बालक पढ़ते हैं। और कॉलेज में भी आज की स्थिति यही है कि आर्ट्स के लोग ही ज़्यादा हैं, बाकी साइंस और साइंस के लोगों को क्योंकि प्रैक्टिकल करना पड़ता है इसलिए क्लास अटेंड करनी पड़ती है, आर्ट्स के लोग बहुत न के बराबर क्लास में जाते हैं और कॉमर्स के अंदर अधिकतर सीटों के लड़के होते हैं और कम क्लास अटेंड करते हैं। ये इस कॉलेज की स्टैंडर्ड होती है। इतनी संख्या के अंदर कॉलेज के नाम होते हुए रोज कॉलेज के अंदर कम से कम 200 लड़के जाते होंगे, रूटीन एक पीरियड ज्वाइन किया, गप्पे मप्पे लगाए दोस्तों के साथ आ जाते हैं। और क्या जी, आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सेहत कुछ नहीं है। आपके फैमिली के बारे में, आपके परिवार के बारे में? परिवार के, परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं और 1 लड़की है। तीनों बच्चे में सबसे बड़ा बच्चा अपना बिजनेस करता है, MA पास है, उसकी विशेष भी BA है, और उसके 1 लड़का और 1 लड़की है जिन्होंने MCOM तक कर रखा है और ग्रेजुएशन के बाद MCOM भी इंग्लिश मीडियम में कर रखा है और इसके बाद ये LLB ये लॉ
लाल जो है कर रखा है, और सीएस का कॉलेज लेक्चर ये आते हैं सीए बनते हैं जी, तो जी चार्टर अकाउंटेंट, हाँ सीएस है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी, ओके। हाँ ये है पहले वाले, और अभी 28 साल की हो गई, अभी इसकी एंगेजमेंट करने का सोच रहे हैं। दूसरा लड़का 26 साल का है, वो अकाउंट्स में मामले में होशियार है, तो वो उसके भी चल रही है बातचीत। दूसरी बच्चा मनोज कुमार है, जिसको अपना बिजनेस है, बीकॉम करने के बाद में उसने अपना बिजनेस चलाया, आज भगवान की दया से उनके पास क्रेने हैं और ये क्या मशीनें होती हैं जी जी है? कौन सी नई मशीनें होती हैं उनको ये जमीन खोदने की क्या बोलते हैं, ओके 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 हाँ जी वो है, और उसका अच्छा बिजनेस हो गया है और अच्छी, अभी लंच रोटरी क्लब का अध्यक्ष भी है चित्तौड़ में, तो लोटरी गुरु जी जाने के पहले कोई एक अच्छा सा मैसेज अपने सारे बच्चों को जो सुन रहे हैं आपको पूरे वर्ल्ड में, कोई एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे आप लेक्चर के रूप में? यही है, सबसे पहले तो मैं आपको जो है आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आज आपका जन्मदिन है और आपको आशीर्वाद के रूप में। मेरा जन्मदिन आज नहीं है लेकिन इस महीने में है, बस आपका आशीर्वाद अभी एडवांस में दे दीजिए, अग्रिम एडवांस। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, चिरायु रहें, आपका जीवन हमेशा गुलाब के फूलों की तरह महकता रहे, आपका दाम्पत्य जीवन भी हमेशा दिन दुनी रात दुगनी उन्नति करते रहे, आपकी शान शौकत के अंदर कोई कमी नहीं आए, आप दिन दुनी रात चौकनी अपनी उन्नति से अपनी शान को बढ़ाएं, नाम आपने पूरा विश्व में कायम किया है और आप और आगे हो, यही हमारा आशीर्वाद शुभकामनाएं आपके प्रति है। और आपने बच्चों के बारे में कहा कि बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो बच्चों का आज के ज़माने के अंदर टेंशन बहुत है, सबसे बड़ी बात है, छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन रहती है, वो गुस्सा टेंशन कर देता है, गुस्सा बहुत हावी है, और चाहे अगर आज किसी के पास गुस्सा नहीं हो तो वो शायद वो भगवान बन जाए, पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता, देश का प्रधानमंत्री भी है अपने आप को। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया गुरुजी आपने, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए और जुड़िएगा 20-25 मिनट के लिए, मेरा एक यंग बच्चा तो वो भी एक बहुत अच्छा गुरु है, उसको भी आप सुनेंगे और उसके बाद दोनों को एक साथ एक बार स्क्रीन के ऊपर आना पड़ेगा। तो गुरुजी मैं आपसे 20-25 मिनट के लिए थोड़ा सा आपसे वक्त लेता हूँ कि आप प्लीज सुनिएगा जरूर उसको भी, ये भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छे टीचर है। तो ये थे हमारे आदरणीय बी एम भोजवानी साहब जो कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े थे, 85 ईयर्स के होते हुए उन्होंने आज अपने वो विचार शेयर किए जो शायद आज के जमाने में सुनना नहीं होता, लेकिन आज के गुरु कैसे होते हैं इनको भी मैं एडमायर करता हूं। नैन अधिया साहब, नैन सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन के ऊपर आए, अब हम उनसे बात करना चाहेंगे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल चेयरमैन ऑफ विश्व सिंधी सेवा संगम दैट इज VSS एंड पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ लायंस इंटरनेशनल लायन डॉक्टर राजू मनवानी सर, नमस्ते सर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई बाउ, आई सल्यूट एंड आई टच द फीट ऑफ योर गुरुजी सर एंड भोजवानी सर। सर जय झूलेलाल, मेरा प्रणाम मेरा वंदन स्वीकार करे भोजवानी सर, आई नो दैट यू विल बी हियरिंग मी, तो सर यस यस थैंक यू सर, I was listening to you and Raju sir, it was really wonderful. Even at the age of 85 years, the passion and what you rightly said, the glow on the face of Bhojwani sir was extremely nice and the face was glowing and see his confidence, and after so many years also, it was very wonderful that Raju sir remembers his Guruji and Guruji is also remembering Raju sir. So once again sir, pranam namaskar to the dynamic sir Lion Dr. Raju sir and Bhojwani sir. Nan sir, apne bare mein thoda sa bataiye ki aap kahan se hain, aapki qualification kya hai aur aap is young age mein teacher ban gaye, guru ban gaye,
थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज. ओवर टू यू. यस सर. थैंक यू सर. सर माय नेम फुल नेम इज नयन अडिया, दैट इज नयन ठक्कर. आई वॉज बॉर्न ऑन 22nd of August 1977 इन सूरत एट माई मैटरनल अंकल्स प्लेस, दैट इज मेरे नाना नानी और मेरे मामा के घर पे सर. वहां पे सर आई शुड कंटिन्यू इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. प्लीज प्लीज प्लीज. आई वॉज बॉर्न इन सूरत सर बिकॉज इट वॉज माई नाना नानी प्लेस. देन सर माई ऑल स्कूलिंग एडुकेशन वॉज डन एट द प्लेस विच आई एम रिसाइडिंग नाउ. माई फैमिली दैट इज माई फादर, माई ग्रैंड फादर and great grandfathers from 15 almost 15 generations they are residing in Dahanu, one of the oldest family of Dahanu. Our family is one of the oldest family of Dahanu. So my schooling education was done in St. Mary's High School Dahanu. From first standard, from in fact from junior KG to say 10th standard. And sir afterwards at that time I passed 10th standard with 82.71% and I secured third rank in St. Mary's High School. But during those times, sir, science colleges were not available in Dahanu. So if you had to pursue science, either you had to go to Palghar, which is around 30 kilometers from Dahanu, or you had to go to Borodi. So I opted Palghar, SDSM College, Palghar. I pursued 11th, 12th science from SDSM College, Palghar, with the aim to become an engineer. I always wanted to become an engineer. And with God's grace and with the blessings of my parents and teachers, right from first standard to 10th standard, always I was in top five. I don't recollect that I have even got sometimes fourth or fifth rank. But you can say that top five, I was always there. So with the blessings of all Gurujis, I had that passion that I want to do something in life. So that passion took me towards engineering. I wanted to become an engineer, but a teacher of engineer. I wanted some invention to be done, something I wanted to do innovative. So the option was science. That is why 11, 12 science I did from Palghar. Even there I secured around, yes, sir. Lekin, Nayan sir, aap बनना इंजीनियर चाहते थे लेकिन किया साइंस, साइंस लेकर के तो आप डॉक्टर बन. आई एम कमिंग टू दैट सर. आई एम कमिंग टू दैट. सो आई वांटेड टू बिकम अ टीचर ऑफ इंजीनियरिंग एंड नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दोस डेज, ट्यूशंस, साइंस कॉलेज वाज नॉट देयर. सो ट्यूशंस एंड एवरीथिंग गाइडेंस वाज नॉट अवेलेबल सर. सो इवन इन 12th साइंस आई गॉट देयर फोर्थ रैंक, 78.33% एंड ड्यूरिंग अवर टाइम सर आई एम टॉकिंग अबाउट 1995, मार्च 1995. Entrance exams were not there for engineering. Where if you want to take admission in engineering, physics, chemistry and maths, these three marks were counted. So out of 300, sir. So physics, chemistry and maths, I had got 235, 72, 75 and 88. 235 out of 300. And I was eligible VJTI College, sir. There was a cap round in VJTI College and I was listed in VJTI College and I got the admission in New Mumbai. But then, sir, right from childhood, sir, even my nani had that dhamaka problem, that is asthma, what we call. So I was also having that problem, but I did not realize that. Every 2-3 months, I used to fall ill, this and that used to happen. Sardi, khasi, bukhar, hamesha rehta hi tha. So I was not physically that strong during my school days. Okay. And then I had to migrate to study to New Bombay. At that time, New Bombay was getting built, Belapur and everything. Correct. So it was not that developed, it was getting developed. So hostel facilities were also not there. So after all that struggle, finally I had to help. Problems were there and a lot of problems were there. I had to, you know, give up that thing and I had to return, mainly because of my health issues. I had to come back to Dahanu. Then Papa and Mommy told that, beta, see, your passion is there, we can understand. But at the same time, always remember that everything is you. We don't want to lose you. And that's family, many people were there to guide my parents also, to my mother also. And finally, everybody came up with a thing that whatever is there, you stay over here and pursue further. So this is how from science, sir, I came to commerce. Okay. And then I completed my BCom from Mumbai University and then I pursued MCom. But then I said my old dream, sir,
I wanted to become a teacher, but teacher of engineer. So I said, I am not able to do that, but still that fire is burning inside me. So this is how I said, I had a lot of problem during my college days. School days, my teachers, I could get everything. Teaching was very good. All teachers were taking care so much nicely. And but during my 11th and 12th junior college days, we struggled a lot to find good teachers for physics and chemistry, especially maths and biology we got, but for physics and chemistry we were not getting teachers. So I said, "Mere saath jo hua, wo aaj ke generation ke saath nahi hona chahiye." So correct. That two to three things combined together, and wo kya bolte hai, double engine, triple engine, whatever, it inspired me to become a teacher, and especially in maths, the subject of maths was very favorite right from school days. I always used to get almost upon to upon marks in maths. Even in 12 science, I got 88 out of 100. So there was a passion, loving for maths. Nowadays, generally we hear, and see, during my time also, we hear that maths mein barabar jamta nahi hai. Maths is a subject which is not very easy. But the maths is only subject where you can get 100 to 100. Yes, not any other. Yeah. Yes, sir. Yes. So that's a very wonderful subject. In that, we don't have to learn anything. We have to that's understand right. the concept. Formula right. is there. Even today, I tell to my students, maths, other name for maths is formula. So if you get the concept properly, so you can score. It's a very scoring subject. And most of my students in so many years means 23 years I already completed. And okay. this is my 24th year, sir. So my after age is 46. 24 years you are completed as a teacher? Yes, sir. 46 is my age. Uska half karo, to 23. I started my teaching professional career at the age of 23 years, sir. And today I am 46 years. I have completed 23 years continuous teaching. And this is my 24th year, Raju, sir. Tell me an answer. Yes, just sir. Now you are listening to Bhojwani, sir. Yes, sir. उनके वक्त के बच्चे अलग हुआ करते थे, उनके वक्त के बच्चों का एक प्रिंसिपल एथिक्स हुआ करता था, उन बच्चों का सुना आपने, आज के बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यस सर, सर लास्ट पॉइंट लिटिल बिट इज रिमेनिंग, शैल आई कंप्लीट दैट पॉइंट सर? प्लीज प्लीज, दिस इज हाउ आफ्टर कंप्लीटिंग सर आई बिकेम अ टीचर, एंड देन आई स्टार्टेड विद एक्चुअली ट्यूशंस. आई सेड आई बीइंग अ गुजराती, हूं गुजराती जो सर, सो आई सेड जनरली वी डू नॉट job. I said, I want to do something on my own. During that time, coaching classes were not there in Danu, sir. Concept was not that. I had never attended any coaching classes, nor I had seen the concept of coaching class. But I said, there should be some mini school. Oh, movies mein bhi dekhte the. Barabar us waqt movies bhi aata, Chamatkar wagere movie aata tha. To Master Ji ki paathshala hoti thi usme. To aise bhi laga ki Master Ji ki paathshala honi chahiye. So, with the permission of my grandmother at that time, I started tuitions at home in my bungalow. I got one room, and slowly, as the needs started, I started bringing those chairs and everything. Till 2008, it was going on in my grandmother's house. That is our family house. Correct, correct. And after 2008, I migrated, I shifted. I said the classes, students are increasing. So you have to have a better place. So I nearby place in Dhanu, it was just hardly 200 kilometers from my house in Vaibhav complex, I shifted. So from 2008, Master Ji ki paathshala ho gayi sir. And okay. there officially classroom is there. I've got seven offices are there now. Three classrooms are there. One study hall is there. One lecture room is there. One office is there. But I don't have any staff members. Myself and my better half, my wife, we okay. both are only managing that. Okay, great. And sir, after starting this, after 2008, I thought, okay, now students are there. They are also studying further. They are also getting all degrees. Let me enhance my also qualification, sir. Okay. So my classes starts after, say, 12 o'clock in the afternoon. In morning till 12 o'clock, I am free. After 12 o'clock, my duty starts and it goes up till 8:30. Earlier, okay. it was there till 9:50, but now 8:30. Okay. So, I started enhancing my qualification. And then,
just like maths, one of the subject is there in commerce, that is accountancy. That is also one of my very favorite subject. So okay. I started pursuing postgraduate diploma in financial management. Okay. Then I did from MPhil, Master of Philosophy from Hinduja College, Charni Road, okay. New Mumbai, Charni Road, Mumbai, in fact. Okay. B.Ed also I completed. And along with all these things, B.Ed is valid till 12th standard. Correct. After 12th standard, if you want to teach UG and PG level, either you should have SET, SET, correct, or NET, NET. Correct. So I appeared for UGC Maharashtra SET, which I cleared, and UGC Gujarat SET also I have cleared, sir. So this is about my educational qualification, sir. And this is how I became a teacher, sir. So, sir, now your question, sir, okay, what is the difference in the students of the yesteryears and modern generation, sir? Correct. Sir, because since it is more than two decades, I mean, the third decade of my teaching, I have seen, you know, the generation, you can say almost one generation of children have studied. I mean, say 2-3 years, I will be getting students from children of my students, those who have studied, I will be getting that, sir. Earlier, I used to take, sir, classes from 5th standard to 12th standard, but then slowly I have, you know, stopped 5th standard and 6th standard. Before Corona, I used to take 7th standard. After, you know, COVID onset of pandemic, I take from 8th standard, 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th. So, sir, when I started my classes, sir, at that time, advent of internet was almost very less in India. In the year 2000, I had started. Just internet had come in India. Okay. At that time, mobile phones were not there. We had not seen. Just mobile phones had come, but it had not come in Dahanu. After 2003-04, we started getting a mobile phone. I got my first mobile phone, I can recollect, in the year 2003. Okay. So, jo vichar Raju sir hai, bachcho ke, that generation, that period, you can say, and this period, there is some subtle difference. Of course, world is also evolving. So, naturally, the thoughts of the students also have to evolve. But I can tell you, sir, the understanding of the students of today's generation, even I was taking class today till 6:30, and okay, my lectures were going on. I told students, today class is there till 8:30. I have to go at 6:30 because I got some work. I will tell them tomorrow what was the work. Okay. And sir, the students are grasping power of the students is very high nowadays. It means they have got lot of, you know, grasping power, lot of knowledge is there, and they are getting mature faster than they age. Because of internet, mobile, social media, because of this is the one of the reason? Exactly, sir. Sir, I would like to elaborate a little bit on this point, sir. Please. Students are getting knowledge, but they are getting knowledge which is not required at this age, sir. They are getting, you know, so much of knowledge, but I tell always my children, beta, always you should have atmanirbharan, self-control you should have. And if you are a student, behave as a student. That's right. Recently, we got some news. I will not name that country, Raju sir. It is very easily available on internet also. Okay. In that country, from 18 years till 65 years, you can use the internet at your will. But below 18 years, you can use internet for a specific limited time only. From 16 to 18 years, only 2 hours you can use the internet. I am not naming the country, sir. Okay, it is very easily available on the internet. And recent news. What is the reason of this? Sir, so that the students, the focus will not get distracted. Sir, I always tell my students, there are two types of distractions. One is external distraction and one is internal distraction. External distraction, all these gadgets are there. So our focus gets distracted. And as I tell, although I give speeches to my students, I talk to my students in English, certain vernacular words are used. I tell them, Nazarati, Durghatna Ghati. So our focus studies is such a way, sir, that we need to have our focus. If our focus is getting distracted, other activities are there, then we cannot reach to our target. When a student
and parents come to take admission at my place, first I have their orientation lecture. I ask them, very first question, what is your ambition in life and why are you studying? If the purpose of studies is not fulfilled, then that child will not have that passion to study. There should be fire burning in you कि मुझे पढ़ना है. भुजवानी सर ने कहा ऐसा कि बच्चे उनके पास उनके जनरेशन के ऐसे थे कि मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है. एंड राजू सर यू सी सच अ डायनामिक लायन लीडर सर. सो पैशन इज देयर सर, इवन एट दिस एज सर पैशन इज देयर. बट नाउडेज देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, बट इट इज नॉट अबाउट द जनरेशन, इट इज फ्रॉम व्हाट माहौल, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं सर. ऑल फाइव फिंगर्स आर नॉट सेम सर. सो दैट इज व्हाई ऑल स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डिफरेंट. I feel, मेरा मंतव्य है, nobody is wrong, all are right, but everybody wants to do work in their own way. Everybody, in today's lecture I told, everybody is the driver or the architecture of their own life. Where they want to take their life, it depends upon them. Correct. But correct. That road may be right from your point of view. सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो राइट है कि नहीं है वो बहुत करेक्ट होता है सर. यू आर राइट. सो पैशन इज देयर, ओनली द थिंग इज देयर. एंड भोजवानी सर ने जैसे कहा सर, गुरुजी ने कहा सर, मुझे गुरुजी कहना चाहिए उन्हें. गुरुजी ने जैसे कहा, हम लोग तो एक सिर्फ पुल है. स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हैविंग टैलेंट, सम स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग, सम स्टूडेंट्स मे नॉट प्रोग्रेस दैट मच. ऑल आर प्रोग्रेसिंग, बट एवरीबॉडीज प्रोग्रेस इज डिफरेंट. Yeah, out of 20, example I am giving, sir, out of 20, suppose 20 marks ka test is there, somebody is getting 19 marks, somebody is getting 18 marks, 17 marks, somebody is getting 16, 12 or 11. It depends upon them. So that doesn't mean ki if you have got some less marks, so that is the end. That expectation always bring unhappiness. And we need to accept life as it comes. It should be the reality. Okay, yes, I have not worked hard, so I don't deserve that. I will try. Jeevan mein girna buri baat nahi hai. Jeevan mein girna buri baat nahi hai. Lekin gir kar phir se na sambhalna aur phir se na uthkar khada hona bahut galat baat hai sir. Wo galat baat hai. Fact hai. Yes sir. You're right. So I always tell the students about this. Ji. And students are having lot of passion, and as a guruji ne jaise kaha, एज अ टीचर हम तो सिर्फ पुल है. दैट इज अ वे. वी जस्ट हैव टू शो देम द वे. गो लेफ्ट और राइट, रेस्ट दे आर ऑलवेज डूइंग. लॉट ऑफ टैलेंट इज देयर इन यंगस्टर्स एंड दे आर ऑलवेज डूइंग, बट स्टिल आत्मनियंत्रण होना चाहिए. एंड सबसे जो मेरे लेक्चर में एवरी बैच, आई टेक अराउंड अबाउट 6 बैचेस एवरी डे, एंड इन एवरी बैच एटलीस्ट आई मेक इट अ पॉइंट to tell this one line, sir, afterwards then I will be completing this question. I always tell, as you sow, so shall you reap. Jaisi karni, vaisi bharni. If we sow a seed of mango, then mango will grow. If we sow chiku, chiku will grow. If we grow apple, apple will grow. It is just like that. So I always motivate students by this punch line, as you sow, so shall you reap. Yes, Raju sir. आप 40 प्लस है, मैं 60 प्लस हूं, गुरुजी 80 प्लस है. पूरे 20-20 साल का फर्क है. आज एक तीन जनरेशन एक साथ बैठ करके टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. नहीं सर, क्या आज के बच्चे भी उसी बच्चों की तरह हैं जो गुरुजी कह रहे थे हमारे भोजवानी साहब, कि उनके अंदर नम्रता हुआ करती थी, उनके अंदर पांव छूने की आदत हुआ करती थी, उनका टाइम पे आके बैठने की आदत हुआ करती थी, वो कभी मारते पीटते भी थे तो भी बच्चे सीखने के लिए वो भी सहन करते थे. क्या आज के बच्चों में वो सहन शक्ति या वो विनम्रता या नम्रता या वो इज्जत आकर के आपके टीचर्स के पांव छूने की है या नहीं है? सर, आई एम टेकिंग कोचिंग क्लासेस एंड विद ओरिएंटेशन लेक्चर आई डू, आई एम टेलिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यस, स्टूडेंट्स इवन टुडे आर देयर, बट नॉट ऑल. एटलीस्ट इन माई क्लास आई फिल्टर. एज आई सेड ड्यूरिंग एडमिशन, आई सी द स्टूडेंट्स, I talk to them, I talk to parents, orientation lecture is there. But even then, you can say out of 100%, the ratio is 95%, sir. 95%. 5%, sir, you are knowing, sir, five fingers are not same.
I will not say 100 on 100 is there. During those time, 100 on 100 is there because, sir, this generation has not seen teachers scolding them or beating them because, sir, a lot of restrictions are put on the teachers. टीचर्स को आप कहते हैं कि हमारे बच्चे का प्रोग्रेस करो, लेकिन हमारे हाथ बन चुके हैं सर, आवर हैंड्स एंड लेग्स आर टाइड, जबान भी हमारी लगाम, बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय गवर्नमेंट. करेक्ट. सो देन सर, देयर विल बी लिमिटेड स्कोप फॉर डेवलपमेंट सर. बट आई विल टेल यू, आई एम ब्लेस्ड विद स्टूडेंट्स सर, माई स्टूडेंट्स, आई विल यू नो, बहुत जवाबदारी से सर, ऑन रिकॉर्ड आई एम टेलिंग, at my place when students come, everyone has to, generally I tell them and everybody follows. I don't tell them every day. At the time of orientation, I tell them namaste. First will come namaste. Namaste sir. And I will be there in the lecture. I see them coming. They tell me namaste sir. And then I also tell them namaste. And if I am in the flow of the lecture, I may bow my head or I may touch my heart. And if you know, I am not in the flow, I may tell namaste, welcome. This is my everyday ritual, sir. So, satisfaction is there at my place, sir. I will tell you, sir. Bachcho ko jis prakar se we mold them, sir. Correct. How we shape them, wo aise hote hai, aise maine anubhav kiya hai, sir. Nayan sir, what great message you would like to give it to the world listeners today, what they are listening to you as a teacher. और उसके बाद मैं भोजानी साहब को भी मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा. मैं चाहूंगा कि दो मिनट आप लोग आपस में भी थोड़े से बातें करें. व्हाट ग्रेट मैसेज यू वांट टू कन्वे टू ऑल द ऑडियंस लिसनिंग टू यू टुडे सर? द मैसेज टू द ऑडियंस सर विल बी देयर टू द स्टूडेंट्स स्पेशली दैट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एज आई हैव टोल्ड, एज यू सो सोशल यू. हमें जीवन में अगर कुछ चाहिए तो दैट मच इनपुट शुड बी देयर. Without inputs, there cannot be any output. That is just simple. I am not talking about any rocket science. In today's lecture, I had told, and every day almost I tell this. Because without motivation, students, you know, need to have motivation. So time and again during lectures, if not every day, every alternate day, we need to motivate the students. That why you are studying? What is your aim? After 10 years, what do you visualize yourself? Suppose if you are studying in 10th standard, after 10 years, you will be working, you will be have lakhs of rupees of your own in your bank balance. Right. That's so right. If you want that, you need to have the inputs. Without inputs, there cannot be outputs. So you should visualize and don't come under any pressure. Ke kisi ne mujhe bola hai, parents ne bola hai, nahi tumhe aisa hi karna hai, you have to do this. Don't. Enjoy your studies. But in what way? In the way what you enjoy. Enjoy does not mean that we have to do all sort of masties and this and that. You should love your studies. And very first thing is reading. Children should read point finger and read extremely loudly. Excuse me, everyone. Sure. Great. They should read loudly. Excuse me, sir. I will. Yeah. Please. So thank see you. The difference between the two Gurujis. One is a young guru. One is very young guru. We have two Gurujis with us and we are talking a lot with them. Pradeep bhai, I request karna chahunga ki Bhojani sahab ko bhi screen ke upar leke aaye. Main chahunga ki Bhojani sahab aur Nayan sir, Guruji, aapne hamare Guruji ko bhi suna. Wo aapko kuch kehna chah rahe hain. Nayan sir, you want to say Bhojani sahab something? Yes, Guruji, mera salute, vandan, pranam sir, sweetheart kijiye sir. I touch your feet sir, aashirwad dijiye sir. Aayushman bhav, swasth raho, dirghayu raho. चिराई रहो, आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करो, यश कीर्ति को प्राप्त करो, चारों तरफ आपका नाम हो, यही हमारा आशीर्वाद शुभकामना है. थैंक यू सर. राजू सर, बिकॉज ऑफ योर सर ब्लेसिंग सर, आई गॉट अ वंडरफुल सर अपॉर्चुनिटी टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर टीचर सर. सर इससे बड़ी बात मेरे लाइफ में नहीं हो सकती है सर. सोने का जो है, सोना होता है, उसकी परख जो होती है ना, ज्वेलरी को होती है. जो फर्क है वो राजू है. और ये सोना तप करके और आज सोना बाहर चमक रहा है, जिसका नाम देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड के अंदर है. मैं उसको पुनः आशीर्वाद दे करके और अपने आप को गर्व करता हूँ कि मैं ऐसे बालक का अध्यापक रहा.
ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है जिसको मैं हमेशा गर्व के साथ में महसूस करता हूँ। गुरु जी हमारा तो दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि भगवान हमारी उम्र आपको दे और आप पूरे 100 साल पूरे करें, हम आपके पास आते रहें, आपका आशीर्वाद लेते रहें और आप हमें बस दुआएं देते रहें। हम भी यही चाहेंगे आपसे गुरु जी। थैंक यू, यही चाहेंगे। नैन सर थैंक यू वेरी मच। भोजारी साहब गुरु जी पाँव छूते हुए मैं आपसे आगे चाहूंगा कि आज का वक्त हमारा पूरा हो चुका है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए। यस नैन सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Sir, last but not the least, sir, I really thank you from the bottom of my heart, sir. It is a really my privilege. I am honored today, sir, Guruji ke darshan karke, sir, Raju sir, who is my idol, sir, unke darshan karke, and the same platform, sir, we are there. So, thank you very much, International Chairman of VSS and past International Director of Lions International, Lion Dr. Raju sir. Thank you very much, sir. I am really honored, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Guruji. Thank you. थैंक यू। आप सबको आशीर्वाद, शुभ स्वस्थ रहो, शुभ रात्रि, शुभ आपका जीवन है, शुभ हमेशा रहे, दिन दुनी रात चौकनी आप अभ्यस्त की तरफ से आकर्षण हो, यही मेरा आशीर्वाद। शुभ एक ब्लास्ट में हो, जय झूलेला, जय झूलेला। कहते हमारे आदरणीय गुरु जी भी हैं, भोजवानी साहब जो राजस्थान चित्तौड़गढ़ से थे और नैन सर जो हमारे धानु महाराष्ट्र से थे। कल की जनरेशन और आज की जनरेशन का ये एपिसोड अगर आपने मिस किया हो तो लाइन डॉक्टर राजू मनवानी के यूट्यूब पे जाकर के जरूर वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये पूरे 793 एपिसोड देख सकते हैं, लेकिन आज का ये टीचर्स डे का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। बहुत किस्मत वाले हम लोग कि आज भी हमें भोजानी साहब का आशीर्वाद मिलता है, नैन सर जैसे यंग गुरुओं का हमें गाइडेंस मिलता है और हम इनके साथ के आगे बढ़ते हैं। कल शाम को 8 बजे मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। कल जो आपके सामने आ रहे हैं वो हमारे साथ रहेंगे, दोनों NRI स्पेशल एपिसोड है, एक जर्मनी से, एक USA न्यू जर्सी से। राजेश माटा जी और अली सिंधी साहब इन दो जनों से हम मुलाकात करेंगे। कल शाम तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और कल शाम को मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जय झूलेलाल, जय हिंद।